साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों से। गोरखपुर में पत्नी की विदाई कराने गए युवक की मौत, बेहोशी हालत में खेत में मिला शव। परिजन बोले ससुराली जलों ने जहर देकर बेटे को मारा। आगरा से किडनैप, 2 साल का बच्चा मथुरा में मिला। किडनैपर मोहसिन ने बहन के घर छुपाया, बोला अच्छा लगा इसलिए उठा ले गया। गाजियाबाद में इसी का आउटडोर पैनल चुराया, सीसीटीवी में बाइक पर 2 लड़के दिखे, सीढ़ियों से सोसाइटी की छत पर पहुंचे और पैनल उतार कर ले गए। आजमगढ़ में धर्मांतरण मामले में दर्ज हुआ मुकदमा, 2 दिन पूर्व प्रार्थना सभा के नाम पर आया था धर्म परिवर्तन कराने का मामला। बदायूं का प्रदीप हत्याकांड, प्राइवेट नर्स की मौत 1 दिन पहले एसओजी टीम ने उठाया था, परिजनों ने कहा डेंगू से हुई है मौत। सहारनपुर में इनकम टैक्स की 5 जगह रेड, गाजियाबाद से आई आईटी की टीम ने सहज व्यापारी, ज्वेलर्स और हार्डवेयर व्यापारी के घर भी पहुंची टीम। जलौन में भूमि एवं जल संरक्षण विभाग में घोटाला, खेतों में बिना तालाब खोदे ही निकाल लिए करोड़ों रुपए, 6 साल से चल रहा था खेल। बागपत में नाबालिग छात्रा को पुलिस ने किया बरामद, संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी नाबालिग छात्रा। बरेली मंडल में धान खरीद में बड़ा घोटाला, खुद जांच करने कमिश्नर संयुक्ता समंदार ने किसानों के मोबाइल पर नंबर पर की बात। हमीरपुर नगर पालिका में 43 विभागों को नोटिस जारी किए, सबसे बड़ा बकायेदार विद्युत विभाग, दूसरे नंबर पर जिला कारागार। फिरोजाबाद में घायल गायों की जान बचा रहे हैं गौ सेवक, 1 महीने में बचाई 15 गायों की जिंदगी, संगठन के करीब 20 से अधिक सदस्य सक्रिय। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी पहुंचे बांदा, बोले राहुल गांधी की तर्ज पर कार्यकर्ता जोड़ो अभियान पर जुटे कार्यकर्ता। मिर्जापुर पुलिस ने रात में की है पैदल गश्त, बाजार में 7 किलोमीटर तक की पैदल गश्त, आम जन की सुरक्षा का दिलाया भरोसा। मुसलमान जन्मदिन नहीं मनाएंगे, देवबंद के उलेमा बोले बर्थडे मनाना खुराफात, कुरान में इसका जिक्र नहीं। आगरा कैंट स्टेशन पर यात्रियों का हंगामा, यात्रियों ने 45 मिनट तक रोके रखी मंगला एक्सप्रेस, बोले S8 कोच लगाना भूल गया रेलवे। ललितपुर में बांध से निकलकर सड़क पर पहुंचे 2 मगरमच्छ, वन कर्मियों ने मगरमच्छ को रस्सी से बांधकर बांध में छोड़ा। डॉग घुमाने के विवाद में दिव्यांग को पीटा, घर के सामने गंदगी का किया था विरोध, डॉग मालिक पर हुई FIR। बाहुबली विजय मिश्रा की अब तक की 35 करोड़ की संपत्ति, कुर भदोई प्रयागराज में करीबियों पर भी कसा गया सिकंजा। चंदौली पहुंचा तमिल अतिथियों का तीसरा जत्था, स्टेशन पर डीएम एसपी ने किया स्वागत, लोगों ने रेड कारपेट बिछाकर की पुष्प वर्षा। बरेली में डेंगू के मरीजों की संख्या 400 पहुंची, 36 घंटे में डेंगू के 30 नए केस आए, बरेली में मंडल की दूसरी सबसे ज्यादा संख्या है।
बीएचयू के सेंट्रल लॉ ऑफिस का पर धरना है, पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को बंद करने की मांग। छात्र बोले, पहले धांधली का रिपोर्ट दें प्रशासन। उन्नाव के सभी ब्लॉक आईएसओ सर्टिफाइड, प्रदेश का पहला जिला जहां के सभी ब्लॉकों पर मिलेगी सुविधाएं। सीडीओ के काम की सराहना। नोएडा में मॉर्निंग वॉकर का मोबाइल लूटा, पुलिस ने 500 मीटर तक पीछा कर बदमाश को मारी गोली, 12 मुकदमे हैं दर्ज। गाजियाबाद में बाइक भैंसा बुग्गी की भिड़ंत, दो की मौत। पैगा सौदा मार्ग पर हादसा, युवक के सीने में घुस गई बुग्गी की रॉड। बीबे की छात्र की हत्या के खुलासे में लगी चार टीमें, सीसीटीवी में गोली पड़ने के बाद भागता नजर आ रहा युवक, मर्डर केस में जेल में है मृतक का भाई। सिद्धार्थनगर नगर निकाय चुनाव, सर्दियों की दस्तक के साथ नगर निकाय चुनाव की चर्चाओं से माहौल गर्माया, गर्म हो रहा है अटकलों का बाजार। लखनऊ के कैंट में सेना के जवान ने की आत्महत्या, फांसी के फंदे पर लटका मिला है शव, पंजाब के रहने वाले हैं, लखनऊ में थे अटैच। सीतापुर में किन्नरों ने पुलिस पर किया है पथराव, बच्ची को गोद लेने को लेकर हुआ विवाद, पुलिस ने भागकर बचाई जान। कानपुर में 10 थानेदार इधर से उधर, सत्ता से नजदीकी रखने वाले विवादित थानेदारों को मिली प्राइम पोस्टिंग, दागियों को मिला चार्ज। 10 लाख की रंगदारी मांगने वाले बदमाश, मुठभेड़ में घायल, मुजफ्फरनगर पुलिस ने दबोचा टंडी आश्रम कोषाध्यक्ष से मांगी थी रंगदारी। अलीगढ़ में सीएम के आगमन को लेकर आईडीजी, डीआईजी, एसएसपी ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण, दुरुस्त करेगी पुलिसिंग व्यवस्था। अमेठी में नहीं थम रहा है चोरों का आतंक, कोतवाली से महज 100 मीटर दूरी पर हनुमानगढ़ी मंदिर के पास चोरों ने साइकिल पर किया हाथ साफ। औरैया में फिर गर्जा बाबा का बुलडोजर, ग्राम पंचायत की 5 बीघे सरकारी भूमि को कराया कब्जा मुक्त। फरुखाबाद जिला अस्पताल लोहिया महिला में सिंडिकेट का हुआ है खुलासा, कैलाश ने तैयार किया था निजी अस्पतालों में मरीज भेजने का सिंडिकेट। पीएमजीएसवाई योजना में सांसद अफजल अंसारी के करोड़ों की सड़क का किया गया शिलान्यास, बोले सरकार डर के कर रही है हम पर कार्रवाई। गाजियाबाद में खड़े हुए वाहनों में लगी आग, आग की चपेट में आए कई वाहन, फायर विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। हरदोई में डीजीपी के फर्जी दस्तखत बनाने वाले दरोगा को आईजी ने किया बर्खास्त, शराब के नशे में एसपी बंगले पर काटा था बवाल। कानपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 6 की रोशनी गई, 4 रोगियों की आंखें, 2 को बचाने में जुटे डॉक्टर, मामले में एफआईआर। हरदोई में रात के अंधेरे में शहर के मुख्य मार्गों पर फराटा भर रहे हैं खनन माफियाओं के ट्रैक्टर, एडीएम बोले जब चौकीदार चोर है तो हम किसके लिए कहें। कानपुर में लोगों को नियमों का पाठ पढ़ाने की बनी है रणनीति, ई रिक्शा से लेकर ऑटो टेम्पो चालकों को प्रशिक्षित करने का खाका हुआ तैयार। हरदोई में पूर्व प्रधान ने लेखपाल का साठगांठ कर ग्राम समाज के कटवा दिए 2 पेड़, लेखपाल का किसान से रिश्वत लेने का वीडियो हुआ है वायरल। लखनऊ में डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेशन
कंक्लेव का हुआ है आयोजन, डिप्टी सीएम विजय पाठक ने शिरकत की। हरदोई में खाते में 3 लाख जमा कराने के नाम पर टप्पेबाज रुपए लेकर हुए फरार, बैंक में खाता न होने की बात कहकर किसानों को थमाया कागज के टुकड़े। पूर्व सैनिक सम्मेलन में पहुंचे अखिलेश यादव, भाजपा पर कसा तंज, बोले बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है जो कभी सपा में थे। रायबरेली में ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लग गई, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और आग को पर काया का काबू और कोई जनहानि नहीं हुई। मैनपुरी में किशनी विधायक पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज, विवादित ऑडियो वायरल होने पर हुई थी कार्रवाई। रायबरेली में एसडीएम सदर शिखा संखवार ने धान क्रय केंद्रों का किया औचक निरीक्षण, निरीक्षण से मचा हड़कंप। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव के लिए वोट मांगे पहुंचे लाल बिहारी, लाल बिहारी ने लगभग एक दर्जन विद्यालयों में शिक्षकों से मिले। रायबरेली में मिल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत सारस चौराहे पर अचेत होकर गिरी युवती, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। मैनपुरी पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला, बोले समाजवादी अपना गढ़ को नहीं बचा पाएगी। संभल में अवैध रूप से संचालित भुट्टों पर चला बाबा का बुलडोजर, बुलडोजर चलने से भट्टे माफियाओं में मचा हड़कंप। स्वास्थ्य जिले में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, सर्विलांस सेल से 68 गुमशुदा मोबाइल फोन की है बरामद, मोबाइल की कीमत लगभग 10 लाख रुपए। संभल में बदमाशों के हौसले बुलंद, छापेमारी के दौरान पुलिस पर किया हमला, दरोगा सहित 3 पुलिसकर्मी घायल। सुल्तानपुर में पुलिस और अंतर्राज्यीय बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। संभल में बाइक सवार बदमाशों ने सराफा व्यापारी को गन पॉइंट पर लूट की घटना को दिया है अंजाम, मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई शुरू की। अमेठी में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में मचा है घमासान, प्रदीप सिंगल ने कार्यकर्ताओं पर लगाए हैं कई गंभीर आरोप। लखनऊ के साउथ सिटी स्थित टेंट हाउस में लगी है आग, आग लगने से गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। अमेठी में दबंगों के आगे नतमस्तक है जायज पुलिस, दबंगों ने जमकर बरसाई है लाठियां, आधा दर्जन लोग हुए घायल, वीडियो सोशल मीडिया पे हो रहा है वायरल। बदायूं में ट्रैक्टर ने पिकअप को मारी है टक्कर, हादसे में एक की मौत कई घायल, सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। लखनऊ में डेंगू के लगातार मिल रहे मरीज, शहर में 35 नए डेंगू के मरीज मिले, ऐशबाग में 6, अलीगंज में 4 नए केस मिले। अमेठी में खत्म हुआ पुलिस का खौफ, कार सवार बदमाशों ने बाइक सवार दंपत्ति के साथ की है मारपीट व लूट, मौके से हुए फरार। लखनऊ के मड़ियावा थाना के अंतर्गत ढीला चौकी क्षेत्र में 2 पक्षों में हुई जमकर लाठी डंडों की बरसात, फल की खरीदारी को लेकर हुआ 2 पक्षों में झगड़ा। बुलंदशहर में कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव अहमनपुर में 2 पक्षों में हुआ है खूनी संघर्ष, एक महिला सहित 4 लोग हुए घायल।
लखनऊ के लोक भवन में शानदार लाइटिंग का प्रदर्शन, रंगीन लाइटों से रोशन हुआ सीएम कार्यालय, रंगीन लाइटों से जगमगाता हुआ लोक भवन। फरुखाबाद में दबंगों से पीड़ित दलित ने डीएम के दरबार में लगाई है न्याय की गुहार, दलित के साथ इंसाफ को लिखा है पोस्टर लेकर पहुंची दलित महिलाएं। राजधानी लखनऊ में अपराधियों के हौसले बुलंद, दबंगों ने बदमाशों से सरेरा किया हिमांशु नामक व्यक्ति की पिटाई, ट्रामा सेंटर पहुंचा युवक। कानपुर में मामूली विवाद में दबंगों ने दुकानदार को जमकर मारपीट की है, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। लखनऊ में डिवाइडर में जा घुसी अनियंत्रित मारुति कार, कार में बैठे लोग बुरी तरह से फंसे, कड़ी मशक्कत के बाद कार चालक को निकाला गया बाहर। कानपुर में SBTU का चौथा दीक्षांत समारोह शुरू, समारोह में पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। लखनऊ में मॉनिटरिंग, वीडियो मॉनिटरिंग के जरिए भी गिने जाएंगे यात्री, पीपल हेड काउंटिंग डिवाइस का शुरू किया गया टेस्ट। कानपुर में खुलेआम देसी तमंचे से फायरिंग करते हुए दबंगों का वीडियो हुआ है वायरल, कानपुर साउथ में जूही थाना क्षेत्र का है वीडियो। श्रावस्ती में पुलिया निर्माण को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, सैकड़ों ग्रामीणों ने घंटों तक सड़क पर जाम कर लगाए डेरा, दोनों तरफ लगे वाहनों के लंबे कतार। झांसी में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, सत्ता की हनक दिखाकर कब्जा करने वालों से हो रही है कहां भूमाफिया, कब्जा कर लेते हैं अब जेल में हैं। सीएम का निर्देश मिलते ही एक्शन में बाराबंकी जिला प्रशासन, शत्रु संपत्ति को हटाया अवैध कब्जा, कब्जे में ली धान की फसल। लखीमपुर खीरी के विधायक की शय पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, फुटपाथ के पास दुकानदारों ने स्कूटी खड़ी करने से कर दिया मना। फिलहाल 75 जिलों की 75 खबरों, बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।